बहुत शरारती हो। फिर बाप की रोड़े क्या बे? आरन से डर गए। जाइए कोई बात नहीं। बबूती जी का चेहरा देखने लायक था। अगली आनंद आ गया वाला। कितने खुश हैं आप ना, बिल्कुल हमरे फूफा जी जैसे हैं। सच्ची वो भी ना ऐसे बहुत बदमाशियां करते थे। कौन फूफा जी? वो हमरे सम्मान फूफा जी, अधनबाद वाले। उनको ना सम्मान बहुत पसंद है और कहा है ना कि हमको तो बहुत ही लाड़ करते हैं वो। लेकिन तुमने कभी बताया नहीं अपने फूफा जी के विषय में। कभी बात ही ना ही निकली। फोन पे बात कराओ उनसे। सच्ची करेंगे? दीजिए डायरी दीजिए। सुनिए लज्जू के भैया, वो ना बहुत संभाल के बात कीजिएगा। वो सम्मान के बहुत पक्के हैं। कौन भी उनके साथ कछु बदतमीजी करता है या उनका इज्जत लूटने का कोशिश करता है ना, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हिंदी तो सही से बोल लिया करो। इज्जत लूटने का मतलब कछु और होता है। वो नाराज हो जाते हैं। ठीक, हमसे बात कीजिएगा। हाँ हेलो। हेलो। आगास कीजिए, कौन बात कर रहा है? वो गास नहीं, गैस होता है। मेरी छुटकी बोल रही है ना? सही पकड़े हैं। क्या बात है फूफा जी, आपको कैसे पता चला कि हम ही हैं? देखो शुद्ध अंग्रेजी, या तो अंग्रेजों की महारानी बोलती है या फिर तुम बोलती हो। आप भी ना फूफा जी, सच्ची। अच्छा हम कहाँ बोल रहे हैं? ऊना लड्डू के भैया, अपना मत बोले कि हमरे पति देव आपसे बात करना चाहते हैं। आप तो शादी में भी ना ही आए थे, मिले भी ना ही। ई लीजिए वो बात करेंगे। हाँ जी। बदतमीज गधा का नाती। अरे जूता निकाल के मुंह पे मारेंगे, छप जाएगा। एक हाथ से पानी का गिलास रखते हैं, बदतमीज कहीं का। अरे दोनों हाथों से रखते हैं, इससे सम्मान झलकता है। हाँ तो बेटा दामाद जी कहिए क्या कहते हैं। फूफा जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं हम आपको। भाई दामाद जी खुश रहो, बहुत बहुत खुश रहो, बहुत बहुत आशीर्वाद। सम्मान परमो धर्म। हाँ हम तो आपसे मिले ही नहीं पाए, बताइए इतने बरस हो गए। ये आपसे मिलने की अब तमन्ना जागृत हो रही है फूफा जी। अब बेटा जी इस उम्र में निकलना तो हो नहीं पाता है। अरे तो फिर भी आपको हमें मिलने तो आना पड़ेगा। हम पलके बिछाए आपका स्वागत करेंगे। अब जब इतने सम्मान से बुला रहे हो। इधर देख, तेरी हाथन में सारे ज्यादा खुजली हो रही है, तो खुजली मिटाने वाली क्रीम लगाना। गुंडागर्दी कर रहा हूँ। दरोगा जी बहुत सही टाइम पर आ गए आप। ये तीनों तो मैं सूतने के चक्कर में थे। हाँ और उनका लीडर है ये टिल्लू साला। ये जो है हमसे तनख्वाह वसूलना चाह रहा है और इसीलिए हमें पीटने के लिए दो और साथ लेके आया। अरे क्या देख रहा हूँ आसमान में, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू सारी एक मतलब इज्जतदार आदमी, बिजनेसमैन आदमी के गरीबान पे हाथ डाल रहा उन्हें पेलने की फिराक में। दरोगा जी ऐसी बात ना है। कैसी बात है? माजरा आपको पता ही ना है, जे भुतनी का 6 महीने की मेरी तनख्वाह डकारे बैठा है पूरे 50,151 रुपए। अब मैं गरीब इंसान, कहाँ से खाऊं कहाँ से पीऊं, पैसे ये दे नहीं रहे। तो तूने हॉकी उठा ली? अब हम मर गए थे का? हाँ। हम जो कह रहे थे सुनो, अगर तिवारी तुम्हारी तनख्वाह ना दे रहा हो, तुम पे अत्याचार कर रहा हो, तो तुम हमें बताओ ना छोटर, FIR लेकर आओ, केस दर्ज कराओ, हम तुम्हारे पैसा दिलवाएंगे। घुइया तनख्वाह दिलवाओगे तुम है? तुम उल्टा केस करवाओगे, एक नंबर के निछावर खोर दरोगा हो तुम। इतना भोला बनने की कोशिश ना करो, इन आंखों ने सब देख लिया है। नोट पकड़वाए सेठ जी ने तुम्हें। अरे ये मतलब बीच चौराहे पे हमें उंगलिया दिखा रहा हुआ, तेरे बहुत मुंह चल रहा हुआ, तेरे सारे चल लो पहले चले गो। सुनो जानी मन,
जाने मन जी। का हो जाता है तुमको ऐसे घड़ी घड़ी? तुम्हारा तबीयत तो ठीक बाकी नहीं? कर्नाटक आ गया सा। आप चाय लेके नहीं आई? हाँ पिलाते हैं चाय तो। का हुआ ना अचानक से हमको अंदर कछु याद आया। चलो जरा हमरे साथ ऊपर बाथरूम में। हाँ उका है कि बहुत डिटर्जेंट काम है ऊपर। अर्जेंट कहना जा रही है? सही पकड़े हैं। चलो चलो हमरे साथ ऊपर। तुम चलो हम आ रहे हैं। हाँ ठीक बाओ। बम फिट करके। भाभी जी किस काम के लिए बुला रही हैं ऊपर बेडरूम में यार? जो भाई विभूति इतना लेट कैसे हो गया? बम लगाने में देर लग गई यार। भाभी जी के सामने लगा नहीं सकता था, उनको बातों में उलझाया, यहाँ वहां किया उनको। तू मेरे घर में क्या कर रहा है बे? तेरा इंतजार। देख विभूति ये जो कपड़े और गेटअप है ना, ये मैंने तेरे लिए अपने दूसरे दोस्त से रेंट पे लिए। अगर अभी हमने वापस नहीं लौटाया ना तो इसका एक्स्ट्रा रेंट भी बढ़ जाएगा। मेरा क्या है, मैं तो उसे दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन तेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है यार। अबे शेखी खो रहे कि बड़ी बड़ी फेंकता है, बहुत पैसा स्कूटी में घूमता है। बहुत अनु का वीडियो कॉल आ रहा है। अबे ऑडियो कॉल पहले वरना सही में मरेगा। हाँ हेलो माँ बेबी माँ हनी बान व्हाट माय बेबी डूइंग? विभु मैंने वीडियो कॉल किया है। अच्छा मुझे मालूम ही नहीं चला। तो अब मालूम चल गया ना, चलो वीडियो ऑन करो। बेबी मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकता हूँ, आई एम सॉरी। क्यों नहीं कर सकते? मुझे तुम्हें देखना है, वीडियो ऑन करो। बेबी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी बिकॉज मैं भी नहा के निकला हूँ यार। I'm full Monty, you know? देखो बहाने मत बनाओ, मुझे तुम्हें अभी देखना है, वीडियो ऑन करो ना प्लीज। ओके 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 ऑलराइट ओके ऑलराइट। पकड़ इसको। हेलो स्वीट हार्ट माय हनी बन, लुकिंग ग्रेट। क्या लग रही हो यार, माइंड ब्लोइंग। हाय बेबी, आर यू मिसिंग मी? ओह आई कांट टेल यू, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। एक मिनट, तुमने कहा कि तुम नहा के निकले हो लेकिन तुम्हारे बाल तो सूखे हुए हैं। सच बताओ क्या चल रहा है, क्या चक्कर है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। कोई चक्कर वक्कर नहीं है यार, एक्चुअली क्या है कि मॉर्निंग में ना मैंने हेड बात लिया था, तभी मैंने बॉडी बात ले लिया, तो क्या है कि आजकल मैं शिफ्ट में ना रहा हूँ। समथिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटिंग यू नो। तुम थोड़े अलग भी लग रहे हो, थोड़े सांवले से, थोड़े डस्की से क्यों लग रहे हो? क्या ना आज पूरा दिन मैं घर से बाहर था, धूप में इतना फिरा हूं ना, तो ये सनबर्न हो गया मेरे को। I'll be all right. I'll be okay. I'll be good. अच्छा मैं रखता हूँ। I got to go. No, don't cut the call. No, Vibhu, no. आपका मूड ठीक नहीं है? हम बहुत सेट हैं। अरे ये कहाँ सेट हैं? हम तो इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, छट्टी तो नहीं होती है आप। अरे भाभी जी वो अपसेट कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। तिवारी जी दिखाई नहीं दे रहे? तिवारी जी all right. तिवारी जी तो मूड बना के बिस्तरे में, आज तो रोमांटिक टाइम है भाई, हैं? नहीं? चूल्हे में क्या रोमांस? आपको पता है वो लड्डू के भैया तो सोफे से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ऐसे चिपके हुए हैं वहाँ जैसे अबायल के सर पे सींग। मैंने आपसे कहा था ना कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कारतूस फूक चुका है, उस दिए का तेल सूख चुका है। लेकिन क्या हुआ है उनको, ये हमको समझ नहीं आ रहा है। आपको पता है इसके पहले ना जब भी ऐसा मौसम होता था और हम उनको बुलाते थे ना तो वो हमारी तरफ ऐसे भाग कर खींचे चले आते थे। अब पता है कैसे, जैसे मक्खी को गुड़ का पता दे देते है ना, अब बिल्कुल वैसे। पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग। अब उनको आप में जरा सा इंटरेस्ट नहीं भाभी, जरा सा इंटरेस्ट नहीं। आप जैसी हुस्ने बहारा के लिए उनके दिल में जरा सा भी प्यार नहीं है भाभी जी। जितना भी रुझान था वो सब खत्म हो चुका है, फिनिश। तो
तो अगर वो हमसे प्यार नहीं करते हैं तो फिर हम इतना लंबा जिंदगी कैसे काटेंगे उनके साथ। भाभी हम तो कब से अपने मोहब्बत का सावन बरसाने के लिए रेडी बैठे हैं। एक बार अपने प्यार की बिल्ली कड़कड़ा कर देगी ईमान से भर भरा के बह जाएंगे यहीं पे ही। आप क्या बोले? अब ये जोक सपाट। देखिए आपकी जिंदगी में एक ही चॉइस है, आप अपने बारे में सोचिए। जब तिवारी जी अपने बारे में सोच सकते हैं तो आप क्यों नहीं? Why not you? कहाँ सोचे? भाभी जी आप तिवारी जी को लात मार के निकाल दीजिए, दूर कर दीजिए अपने आप से। खबरदार, आज के बाद ऐसा बात भी किए ना आप भरभूति जी तो फिर हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। तुम अपने पति को बहुत सस्पेक्ट करते हैं। सस्पेक्ट करने लायक है भी वो, आप रिस्पेक्ट कहना चाह रही हैं? आज सही पकड़े हैं। हम लड्डू के भैया को बहुत इज्जत करते हैं और लात से का हाथ से भी और कोनो भी तरह से हम उनको चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। अरे जाओ ना। जा रहे। अरे तेरा। हमें आपसे कुछ विशेष काम करवाना है। मुझसे विशेष काम करवाना है? भैया जैसा कि मुझे याद है आप मुझसे कह रहे थे कि सक्सेना जी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि आपके सहयोग की आवश्यकता पड़े। आपका बुरा दिन आ गया क्या भैया? यही समझ लीजिए सक्सेना जी, और भगवान ना करे ऐसे बुरे दिन हमारे किसी दुश्मन के भी आए। हमारी स्थिति बहुत ही असहनीय और विषम हो गई है। आई लाइक इट, असहनीय और विषम जी। भैया आपको एक बात बता दूं, ऐसी असहनीय और विषम परिस्थितियों से निकालने वाले का, उबारने वाले का नाम ही तो है अनोखे लाल सक्सेना। भैया बताइए आपको क्या सहयोग चाहिए? तनिक कानिया लाइए। कान मैं इसी सहयोग की आवश्यकता है। भैया आपको एक बात बताऊं, देखिए बहुत अच्छी बात होती है जब इंसान के अंदर का बच्चा जिंदा रहता है, बहुत अच्छी बात होती है भैया, पर इतना छोटा बच्चा भी जिंदा मत कीजिए जो अपने पैरों पर खड़ा होके खुद हल्का होने बाथरूम ना जा सके। अरे भैया इतना कष्ट तो कर ही सकते हैं आप। अरे हमने अगर बाथरूम जाने का कष्ट किया तो हम नष्ट हो जाएंगे। अरे पर भैया देखो सक्सेना जी, आपने जो है सहयोग आंदोलन की शुरुआत की है, अब अगर हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है तो आप किंतु परंतु कह के अब मुकर काय रहे हैं। अनोखे लाल सक्सेना मर सकता है, मुकर नहीं सकता। पर भैया क्या है कि जिस प्रकार के सहयोग की आपको आवश्यकता है उस सहयोग को करने के लिए भाभी जी आइडिया। ये लड्डू की भैया रात को यहाँ सोफे पर ही सो गए। बैठे बैठे बाड़िया गड़ गई। गुड मॉर्निंग पगली। काहे का गुड मॉर्निंग? हाँ का बोले रहे आप सक्सेना जी को कल? क्या आपको देखकर इतना खुशी हो रहा है जितना खुशी तो हमको ये अंगूरी को शादी के मंडप में देखकर भी ना ही हुआ था। अरे पगली काम निकलवाने के लिए ऐसा कहना पड़ता है, समझा करो। नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए था आपको, आप हमको बहुत बस्ट किए हैं इस बार। अरे बस्ट तो हम हो जाएंगे यहाँ बैठे बैठे, शायद तुम हर्ट कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं आप, आपको पता है आप हमको कितना दुखी किए हैं। मगर तुम छोटी छोटी बातों में दुखी मत हो जाया करो। केवल ये बात नहीं है, दुखी होने का और भी है। सुन रहे कि नहीं? का है कि कल आप हमरे मूड बा की ऐसी की तैसी कर दिए हैं। पगली अब जान बूझ कर नहीं किए हैं, हम किसी दबाव के तहत ऐसा किए हैं। तो हमको बताइए ना कौन दबाव डाल रहा है आप पर कि आप अपना पत्नी का बात नहीं मान रहे हैं? नहीं बता पाएंगे। कछु मिंट ही दे दीजिए। मिंट नहीं हिंट होता, हिंट। सही पकड़े हैं। हमको तो लगता है आपको हमरे अंदर कौन दिलचस्पी नहीं बचा है अब। अरे जाके मैं चाय लेकर आओ, फालतू की बकवास करती रहती हो। नहीं पिलाएंगे चाय, पहले हम तुलसी मैया का पूजा करेंगे, उसके बाद ही रसोई घर में प्रवेश करेंगे। हटो।
मैं सुसाइड नोट पहले से लिख के लेकर आया हूँ। ये लौंडा हमें शुरू से पसंद है बेटा, बहुत बढ़िया, पढ़ के सुना दे काहे लिखो। सुनो दुनिया वालो, टिल्लू जान क्यों दे रही है ये जान लो। ओके। मैं टिल्लू अपने पूरे होशो हवास में इस चिट्ठी के द्वारा ये ऐलान करता हूँ कि मैंने आत्महत्या की है। बहुत बढ़िया। और मेरी आत्महत्या की वजह दो ऐसी चिरांदे हैं, हाँ? जिन्होंने मेरे विश्वास इंसानियत और कानून दोनों पर से मिटा दिया है। गुड। एक है मनमोहन तिवारी, वेरी गुड, और दूसरा है जय हप्पू सिंह। बहुत भाई बे, अरे दादा मत मर, ओ ठहर जा ठहर जा, हम सुन, पकड़ो डायरी पकड़ो, अरे ओ हाथ जोड़ रहे हम, बातों कर रहे, रुक जा लौंडे, रुक जा बातों कर रहे हम, सारी तनखा मनमोहन तिवारी से, एक एक रुपया की नछावर दिलवाएंगे तो को, ओए मर गए बात, अगर नहीं दिलाओगे तो मैं कूद जाऊंगा। नहीं नहीं ठहर जा एक सेकंड, हम जा रहे तिवारी के पास, अब जा रहे ठहर जा, एक डायरी दो, जा रहे। देखो टिल्लू, देखो कुंदा नहीं हप्पू सिंह जी गए, तुम्हारी तनखा मिल के रहेगी। टिल्लू कुंदा नहीं, अरे बेटा आप दोनों की बात मान रही हूँ मैं, इसलिए नहीं कूदने जा रही हूँ वरना। हाँ क्या बात है कानपुर की, मान परमो धर्मा लौंडे, वाह क्या बात है भाई, मुझे देखकर बेहद खुशी हुई कि तुम मेरे दामाद जैसे लीचड़ खुदगर्ज और घमंडी इंसान के पड़ोसी होते हुए तुम्हारे अंदर संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ है भाई, वाह क्या बात है, वाह वाह। फूफा जी चाचा जी ये हैं श्री सम्मान चंद दुबे, भाभी जी के फूफा जी, और फूफा जी ये है मेरे चाचा जी डेविल मिश्रा, आई मीन डेविड मिश्रा। सम्मान परमो धर्मा। भाई आपका भतीजा तो बहुत ही संस्कारी है, संस्कार कूट कूट कर भरा है इस, भाई वाह। अगर आप मेरे गुणों के बारे में और जानना चाहते हैं चाचा जी से बात कीजिए, ये आपको बताएंगे कि मैंने सम्मान देते और लेते हुए ये सफर कैसे पूरा किया। जरूर बेटे जरूर। भाई डेविड जी एक एक हो जाए। मतलब हो जाती, लेकिन क्या है कि मैं दिन में नहीं लेता हूँ। अरे भाई चाय तो दिन में ही पी जाती है, रात में गैस हो जाती है। आप चाय की बात कर रहे हैं, चलिए हो जाए फिर। अरे आइए भाई, ये हमारा सौभाग्य होगा आपके आगे। साथ चाय पीएंगे, आइए आइए चलिए। तो इसे संभाल के अंदर रख देना, ठीक है। उसमें सिर्फ अंडरगारमेंट्स। कमल खान, अबे तुम दोनों को क्या लगता है वो निछावर खोर जो है ना हप्पू सिंह दरोगा, वो मनमोहन तिवारी को ला पाएगा या नहीं? यार टिलुआ तूने तो सही गेम खेल दो यार। अब तुम देखियो मैं दरोगा है ना, हथेली पे बिठा के लेके आओगे तिवारी भैया को। और बाय चांस नहीं लाया तो फिर टिल्लू तू एक काम करियो भैया, तो कूदने से पहले ना अपना मोबाइल ना हम दोनों को दे दियो, वहां में जितने भी छोरे इनके नंबर होंगे ना हम आपस में बांट लेंगे। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, मैं सोच रहा हूँ कि मोबाइल तुम्हें देने से पहले मेरे मोबाइल में जितनी छोरियों के नंबर है ना उन सबको फोन करके कह दूं कि टीका मल खान से बच के रहियो, ये सोती हुई छोरियों की चुटियां काट के ले जावे, फिर देखता हूँ कौन सी छोरी तुम्हारे करीब आती है। अब बोल मोबाइल चाहिए भुतनी के? अरे टिलुआ तुझे दोस्तों की खुशी ना देखी जाती? साले भुतनी के तू तो बड़ा फर्ज निभा रही है दोस्ती का, एक दोस्त अपनी जान से जा रही है और तू उल्टा मोबाइल मांग रही है उसका, लानत है तेरे ऊपर। चल रहा है क्या? मुझे भी आ रहा है यार, आजा तेरी मुनी। अबे कहाँ जा? अच्छा अच्छा चाच, दिस इज अ नाइस प्लेस। अरे विभूति सेठ और चाचा यहाँ पे, क्या बोलते हो? चल फिर यही हो जाएगा, बिछाओ फिर। अरे चल यार बिछाओ। बलौंडो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?
अच्छा ठिकाने आए बेटा। टिकाना तो है भैया, अगर वो कूद के मर गो तो बाकी गम में टिकाएंगे, अगर बच गो तो बाकी खुशी में टिकाएंगे। टिकाएंगे जरूर। वो ढिल्लो क्या कर रहा है वहां ऊपर? निशा निशा बे, विभूति सेठ अपनी दर्द भरी जिंदगी से थक चुका हूँ, कसम खा के कह रही हूँ मैं यहाँ से कूद के अपनी जान देने जा रही हूँ। थकते वो लोग हैं जो जिंदगी में कुछ करते हैं। तेरी तो शक्ल देख कर लगता है कि तूने अपने जूते के फीते से लेकर के पजामे का नाड़ा तक दूसरों से बंधवाया है। अरे चचा मैं नाड़ा खोलता भी खुद हूँ और बांधता भी खुद हूँ, लेकिन आप बात को समझ नहीं पा रहे हो। अरे एक छोरी ने मुझे कंगला बोला, बेइज्जती की, अब उस जिल्लत को मैं कैसे हजम करूं तुम्हें बताओ, इसलिए मैं जान देने जा रही हूँ। जा सारी साफ की जड़ है ना कि तिवारी भैया आ रहे हैं, जाके तनख्वाह ना दे रहे, इसलिए ये है ना टिलुआ टीले से कूद कर अपनी जान देना चाहते है। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो उसके कूदने का इंतजार? अरे जाओ कान पकड़ कर लेके आओ जाओ। अबे टिल्लू हाँ देख क्या है, तुझसे ज्यादा मोटी चमड़ी के लोग ना मुफ्तखोर लोग जी रहे हैं दुनिया में, अगर पैसे की जरूरत पड़ती है ना तो कोई ना कोई। चलिए फूफा जी प्रणाम कर रहे हैं, सम्मान परमो धर्म। सम्मान परमो धर्म। अच्छे से जाइएगा चरण। आपसे तो बात ही ना ही करेंगे हम। आओ आओ दरोगा जी, ये बॉम्ब नकली है। आप लोगों को किसी ने उल्लू बनाया? क्या बात कर रहे हैं, बेकार में हमारा टाइम वेस्ट किया। यार, अरे अरे तेरी, अरे उठाइए ना यार, यहाँ तो जाम ही हो गए हैं, उठाइए। हाय हाय पैर सो गए। ऐसी कर लूँ, ऐसी कर लूँ। अरे ठीक, टांगे कर लो ससुर, हाथ काय कर रहे। सुनो, जो कौन आदमी है तो होगो जो ने तुम्हारी कुर्सी के नीचे नकली बम लगाओ? हमें तो एक ही आदमी पे शक है दरोगा जी। कौन? अरुए ससब बबुतिया। यार रमजियाज नल्ला भी बहुत बड़ी चिरांद है, लेकिन हमारे पास जो है ना एकदम जो है सिमिलर प्लान है उसके लिए। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर उसका फोन आए ना तो उसको अटेंड मत करना, समझ गए ना, एकदम से खारिज कर देना। ठीक है, अब हमारी एक प्रॉब्लम दूर करो। क्या? वो तुम्हारा जो लौंडा है ना टिल्लू, जो लंबी पहाड़ी पे चढ़ गो, बार बार धमकी दे रहे हो सुसाइड कर लेंगे सुसाइड कर लेंगे, नहीं तिवारी को बुलाओ तुम, चलो ना यार। अरे यार कछु नहीं, उसके गुर्दों, अरे उसके गुर्दों में इतना दम नहीं है, अब तक होता तो कम वक्त कूद गया होता। अरे तुम असली टेंशन की बात तो सुनो, बाने सुसाइड नोट लिखो है कि अगर हम टपक गए तो जाके जिम्मेदारी कौन पे होगी? भैया तिवारी और हप्पू सिंह। मर जाएगा तो हम तुम लपेटे में आ जाएंगे यार, चलो ना। तो रुका, केस रफा दफा करो तुम यार, हमें ऐन मौके पे खुश कर देते हो। हाँ
ऐसे गले मिलूं। मैं जिंदा हूँ। बच गया यार, बहुत मोटी चमड़ी को यार। मैं बच गया यार, इतनी ऊपर से गिर के मैं बच गया, हड्डी का मकान, मैं जिंदा हूँ यार। टिलुआ चल घर चल, सारे कुछ खाते पीते हैं, ऐसे करते आजा। हाँ यार ठीक है, मुझे बहुत तेजू की भूख भी लग रही है यार। लेकिन यार टीका, टिल्लू के पास कैश कहाँ है गो, पैसे कहाँ है गए? भीगे लट्ठो भतिया, सारा उठ जाएगा, जल्दी जल्दी चल। अरे बाइल, आहा कहाँ मर गया? अरे अम्मा अम्मा, ओहो क्या बताएं अम्मा, गजब हो गया। अंगूरी हमेशा हमेशा लेके घर छोड़कर गांव जा रही है। हाय दिया, किका बोल रहे हैं? अम्मा जी अपनाम कर रहे हैं, मदर्स डे का बहुत 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 शुभकामनाएं। वो तो ठीक है बहुरिया, बैल का बोल रहा है, तुम हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही हो? पगली, हम तुमसे बोले नहीं थे कि अम्मा को जब भी खबर देंगे तो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के गांव जा रही हो, तो अम्मा दौड़ी चली आएगी, फिर तुम्हें मैं मदर्स डे का विश कर दोगी। अम्मा जी कहा है ना, अकेले डुकी भैया हमको बताए रहे कि आप पंडित रामफल के साथ सेटिस्फेक्शन के लिए जा रही हैं। अरे पगली, सेटिस्फेक्शन ही वेकेशन होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। तो कहा है ना हमको बताए रहे लड्डू की भैया, इसके लिए हम आपको बुला लिए कि हम आपको मदर्स डे का भेज कर पाएंगे। अरे हमारी बिटिया हमसे कितना प्रेम करती है, इतना तो हमारा ये सगा बेटा भी नहीं करता है। ए भाई, ये केक पानापल वाला का है रे? हाय दिया, हम आपको बोले रहे ना कि अम्मा जी को चॉकलेट ही पसंद आता है। अच्छा चलो चलो केक खिलाओ चलो। हाँ जी। ये मार कुटाई है ना, ये सब हमारा प्रेम है तुम्हारे लिए, समझा? एक तो बात बताओ अम्मा। पंडित रामफल के साथ वैकेशन के लिए कहाँ जा रही हो? लास वेगास। हैं?